फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है भाप टरबाइनों का अधिनियंत्रण, जिसको हम बोलते हैं गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका 5 नंबर में हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है और पूछा भी जाता है थर्मल इंजीनियरिंग के आपके पेपर में। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि भाप टरबाइनों का जो अधिनियंत्रण होता है वो किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ संरचना आपकी इस प्रकार होती है। यहाँ पर आपका नियंत्रण लगा होता है, जिसको हम गवर्नर कहते हैं। यही आपके स्पीड को कंट्रोल करता है, और जो आपका जो गवर्नर होता है वो आपके इस ट्यूब के जस्ट ऊपर लगा होता है। ये आपका पिन ज्वाइंट होता है, जिसको हम पिन ज्वाइंट बोलते हैं। यहाँ पर हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ये वाला पार्ट हमारा होता है दोहरा बीट वाल्व, डबल बीट वाल्व के नाम से हम जिसको जानते हैं। यहाँ से आपके भाप आती है, इधर से आपकी भाप इंटर करती है, और यहाँ से होते हुए आपका जो टरबाइन का भाप होता है यहाँ तक प्रवेश करता है, और टर्बो जनरेटर यहाँ पर आपका लगा होता है। तो ये कुछ इस प्रकार की आपके भाप टरबाइनों के अधिनियंत्रण का यहाँ पर चित्र है। इसी तरह की आपकी संरचना होती है, इसी तरह आपका जो भाप टरबाइन का अधिनियंत्रण का डायग्राम होता है बनाया जाता है। तो आप इस डायग्राम को अच्छे प्रकार से समझ लीजिए। अब देखते हैं कि इसकी थ्योरी क्या कहती है। तो थ्योरी कहती है कि भाप टरबाइन की गति का जो सीधा प्रभाव होता है वो एसी जनरेटर की पावर आउटपुट पर पड़ता है। कहने का मतलब है कि भाप टरबाइन जितनी तेजी से घूमेगी उसका सीधा प्रभाव हमारे एसी जनरेटर की पावर आउटपुट पर पड़ेगा। कभी आपका पावर आउटपुट कम होगा, जाहिर सी बात है, जब आपकी टरबाइन की गति धीरे होगी, तेज होगी, तो वहाँ पर आपके जनरेटर की जो पावर आउटपुट सप्लाई मिलेगी हमारी, वो भी आपकी कभी ज़्यादा होगी कम होगी। इसीलिए टरबाइन की गति एक निश्चित सीमा में बनी रहे, जिससे जनरेटर की क्रिया ठीक प्रकार से होती रहे। तो टरबाइन की गति को एक निश्चित सीमा में बनाए रखने हेतु हम क्या करते हैं, एक अधिनियंत्रक का प्रयोग करते हैं, एक गवर्नर का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि भाप टरबाइन की गति कभी जब तेज होगी या धीरे होगी, तो उसका हमारा सीधा प्रभाव जनरेटर की पावर आउटपुट पर हमेशा पड़ता है। इसीलिए हम टरबाइन की जो एक गति होती है उसको निश्चित सीमा में बनाए रखने के लिए हम गवर्नर का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं कि नियंत्रक की विधियाँ कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर भाप टरबाइनों के नियंत्रण की यहाँ पर विधि कुछ दो प्रकार की होती है। पहली विधि आपकी थ्रॉटल अधिनियम होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं थ्रॉटल अधिनियम क्या होता है, इससे किस प्रकार से हम जो आपके भाप टरबाइन की गति है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस अधिनियंत्रण में, मतलब थ्रॉटल अधिनियंत्रण को चलाने के लिए शक्ति दो बीवल गियरों के माध्यम से टर्बो शाफ्ट से प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि इस अधिनियंत्रण से, मतलब थ्रॉटल अधिनियंत्रण को चलाने के लिए दो शक्ति बीवल गियरों के माध्यम से टर्बो जनरेटर शाफ्ट से हमारा प्राप्त होता है। उसके बाद कह रहा है कि टर्बाइन की क्रिया के अंतर्गत, जब आपकी टरबाइन की क्रिया होती है उसके अंतर्गत जब इस पर लगने वाला भार कम हो जाता है तो इसकी गति आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे आप यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर बात कर रहा है कि जैसे ही आपका यहाँ पर भार लगना कम होगा, कभी आपका ज़्यादा भार लगेगा, कभी आपका कम भार लगेगा, तो आपके जो शाफ्ट की यहाँ पर गति होगी टरबाइन की, वो भी आपके कुछ टर्बो जनरेटर में यहाँ पर आपकी, जब ज़्यादा आपका भार लगेगा तो आपकी गति कम होगी, और जब आपका ज़्यादा भार लगेगा तो वहाँ पर आपकी गति अधिक हो जाएगी। तो उसके बाद कह रहा है कि तो उसकी गति आपकी बढ़ जाएगी, जब आपका भार कम लगेगा तो जाहिर सी बात है आपके गति उसकी आपके जो है टरबाइन की बढ़ जाएगी। फलस्वरूप अभिकेंद्रीय अधिनियंत्रक के वाल्व कुछ बाहर की तरफ खुल जाते हैं। जो आपके अधिनियंत्रण वाल्व होते हैं, जैसे ही आपका बल लगता है वो बाहर की ओर खुल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ, यहाँ पर जब आपका फोर्स अप्लाई होगा इस पर, जाहिर सी बात है जब आपका यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ पर लोड लगेगा, तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ आपका निकलेगा। तो इसी की ये बात कर रहा है कि
अब केंद्रीय अधिनियंत्रण के वाल कुछ बाहर की तरफ खुल जाते हैं और फिर कुछ आपकी यांत्रिक कड़ियों के माध्यम से अधिनियंत्रण के साथ जुड़ा जो डबल वीट वाल्व क्रियाशील आपका हो जाता है, मतलब कि आपका जो डबल वीट वाल्व है आपका सक्रिय हो जाता है, इसकी बात कर रहा है। जो दोहरा वीट वाल्व होता है आपका लगा यहाँ पर, ये आपका सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने के बाद आपका फ्रेंड्स क्या होता है, वो धीरे धीरे आपका क्या होता है, बंद हो जाता है। वाल की इस क्रिया में थ्रॉटलिंग होती है, जिससे जो आपका परिणाम होता है स्वरूप इसका दाब क्या होता है, घटने लगता है। जैसे ही आपकी वाल के अंदर थ्रॉटलिंग अपक्रिया शुरू हो जाती है, तो वैसे ही आपका जो है परिणाम स्वरूप इसका दाब घटने लगता है और प्रवाह में आपके कमी आने लगती है, आपके स्ट्रीम के प्रवाह में कमी आने लगती है। कह रहा है कि इस प्रबंधन में वाल्व की क्रिया के आगे अधिक बल उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग छोटी मशीनों तक ही किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो आपका ये प्रबंधन होता है भाप टरबाइन में थ्रॉटलिंग अधिनियम, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका अधिक बल उत्पन्न नहीं होता है, आपका ज़्यादा फोर्स आपका उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग छोटी मशीनों तक ही हम क्या करते हैं, सीमित रखते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आपका आज का टॉपिक, जो भाप टरबाइनों का अधिनियंत्रण क्या होता है। हमने भाप टरबाइनों के अधिनियंत्रण में पढ़ा है, थ्रॉटल अधिनियंत्रण क्या होता है, ये दोनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं भाप टरबाइनों का संयोजन क्या होता है, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन क्या होती है, तो इसको आप जान लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ने को मिलेगा कि भाप टरबाइनों का जो संयोजन है वो तीन विधियों के द्वारा किया जाता है। और फ्रेंड्स आपको इसकी PDF और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो भाप टरबाइनों के संयोजन की तीन विधियाँ होती हैं फ्रेंड्स, पहली होती है वेग संयोजन जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग, दूसरी आपकी होती है दाब संयोजन जिसको हम बोलते हैं प्रेशर कंपाउंडिंग, और तीसरा होता है फ्रेंड्स आपका वेग दाब संयोजन जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग। ये तो ये तीनों आपकी जो विधियां होती हैं भाप टरबाइन के संयोजन की, तीनों इंपॉर्टेंट होती हैं, तीनों में से कोई ना कोई आपकी एक आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक होगा वेग संयोजन वेलोसिटी कंपाउंडिंग भाप टरबाइनों का। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।